नमस्कार, मैं विकास मिश्रा समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांग जन से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड कैसे अपनी वस्तुओं को सर्च करता है। विजुअली इम्पेयर्ड जब किसी वस्तु को सर्च करता है, एक तो वो वस्तु ऐसी हो सकती है जो कि उसकी पॉकेट से या उससे गिर गई हो। दूसरी दूसरी दूसरा जो वो सर्च करता है, मान लिया उसने कोई वस्तु कहीं पे रखी है, उसको सर्च करना है। तो ये दोनों सर्च करने के मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक तो गिरी हुई वस्तु को सर्च करना, और एक उसने अगर अपने आप कहीं पे रखी है और उसे एरिया पता है तो उस वस्तु को कैसे सर्च किया जाए वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक जो सर्चिंग पैटर्न है उसमें मैं बताऊंगा पेरीमीटर के बारे में, पेरीमीटर या ग्रिड लाइन के बारे में बताऊंगा। पेरीमीटर या ग्रिड लाइन का सर्च जो होता है वो ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे जो मतलब जहां पे वो सर्च कर रहा है वो नोन ऑब्जेक्ट है और उसका एक डिस्टेंस है, मतलब उसका जो मेजरमेंट है वो आपको पता है। जैसे अगर कोई टेबल है या कोई चारपाई है जहां पे आप उसको उस वस्तु को सर्च करना चाहते हैं और आपने वो रख दी है। मान लिया एक टेबल है, टेबल पे पेरीमीटर सर्च करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले पेरीमीटर के द्वारा मतलब पेरीमीटर विधि द्वारा सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ये एक जगह पे रखेंगे, मिड लाइन ऑफ द टेबल, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब एक हाथ आपका मूव करेगा और एक हाथ मूव करेगा वो भी बिल्कुल किनारे, जो टेबल है उसकी किनारियों को सर्च करता हो जाएगा, और वो सर्कल वाइज भी हो सकता है, मतलब क्लॉक वाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉक वाइज हो सकता है। जैसे कि ये रेफरेंस पॉइंट हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैंने सर्च करना शुरू किया और सर्च करके हाथ ले गया किनारी पे ले गया, और किनारी पे लाने के बाद में फिर मैंने क्या किया, किनारियों पे देखता हुआ सामने की साइड में ये सर्च कर लिया। दिस इज अ पेरीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। अब आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में क्या किया जाता है कि ग्रिड लाइन में जो भी जहां पे हमारी चीज रखी हुई है, अगर टेबल पे कोई चीज रखी हुई है तो ग्रिड लाइन में क्या करेंगे, जो बीच में जो बीच वाला पोर्शन है, ये तो किनारियां हो गई, बीच वाले पोर्शन को ग्रिड लाइन में हम लोग सर्च करते हैं। उसका भी एक प्रॉपर मेथड है। उसका मेथड कैसे है कि सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया। रेफरेंस पॉइंट मान लिया ये रेफरेंस पॉइंट हो गया कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड आराम से हाथ को सर्च कर सकते हो, आराम से हाथ को रख लिया राइट साइड वाला हैंड। उसके बाद में आपने इस रेफरेंस पॉइंट के पास से क्या करेंगे, हॉरिजेंटल या वर्टिकल हाथ को ऊपर की तरफ स्लाइड कर सकते हैं, वर्टिकल ऊपर की तरफ, ठीक है। हॉरिजेंटल आप इस तरीके से सर्च करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वापस हाथ लाए, यहाँ पे जब कोई चीज नहीं मिली फिर आगे हाथ बढ़ाया, फिर सर्च किया, ठीक है, फिर हाथ बढ़ाया, फिर सर्च किया। इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। और जैसे ही आपके हाथ से ऑब्जेक्ट टकराएगा आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। ग्रिड लाइन कभी कभी क्या होता है कि जो गिरी हुई चीज है वो नुकीली हो सकती है या आपको कहीं ना कहीं आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वहां पे जब हम सर्च करते हैं तो वहां पे क्या किया जाता है कि अपनी उंगलियों को कर्ल किया जाता है लाइक दिस, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट बनाया और उंगलियों को कर्ल करने के बाद हम सर्च करना शुरू करते हैं जिससे कि वो नुकीली चीज हमारे हाथों में ना लगे। तो ये था पेरीमीटर एंड ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन को दूसरे तरीके से आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, ये किया, ठीक है ना। मतलब मैंने क्या किया, पहले हाथ को रेफरेंस पॉइंट पे बीच में रखा, फिर साइड में ले गए, फिर वर्टिकल लाए, फिर आपस में जोड़ दिया, फिर ऊपर ले गए, और फिर इसका मतलब जो सरफेस जहां पे मुझे ढूंढना है वो ओवरऑल सरफेस मैंने सर्च कर ली, कहीं पे भी कोई हिस्सा छूटा नहीं है और मैंने अपनी वस्तु को ढूंढ लिया। इन दोनों को हम लोग
पेरीमीटर और ग्रिड लाइन बोलते हैं। पेरीमीटर में किनारियों पे सर्च किया और ग्रिड लाइन में जो भी ऑब्जेक्ट जहां पे पड़ी हुई कोई चीज है, हमारी जो वस्तु गिरी है वहां पे हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये था पेरीमीटर एंड ग्रिड लाइन। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति गिरी हुई चीज को, नीचे जमीन में गिरने वाली चीज को सर्च करेगा। थैंक यू।